संकट से निपटने की राज्य सरकार की तैयारी को जन वितरण प्रणाली के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। राशन को बिना बांटे बिचौलियों के साथ मिली भगत कर शासन को चूना लगाया जा रहा है। दरअसल लोगों को अनाज और खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने राशन कार्ड के साथ साथ बगैर राशन कार्ड वाले जरूरतमंद लोगों के लिए वितरण प्रणाली दुकान के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इसका फायदा कुछ कर्मचारी बिचौलियों की मदद से गरीबों को मिलने वाला खाद्यान्न बेरोक टोक खुलेआम संग्रह कर इंदौर जाकर बेचा जा रहा है। पुलिस ने उदयनगर इंदौर मार्ग पर गरीबों में बांटे जाने वाले चावल से भरा वाहन पकड़ा है। साथ ही वाहन चालक की निशानदेही पर देवास के उदयनगर में स्थित एक गोदाम से 250 बोरियां चावल की बरामद की गई। उदयनगर थाना प्रभारी, उदयनगर नायब तहसीलदार एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए गोदाम को सील कर दिया है। आपको बता दें कि उदयनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से चावल का परिवहन करते हुए आयशर वाहन को पकड़ा है। वाहन से 67 क्विंटल लगभग 109 बोरी चावल जब्त किए गए, तो वहीं उदयनगर में स्थित निजी गोदाम से 200 से 250 बोरी चावल जब्त किए गए। जब मौके पर खाद्य अधिकारी योगेश झा से इतने बड़े स्तर पर चलने वाले रैकेट के संदर्भ में पूछा तो कोई सटीक जवाब नहीं मिला। फिलहाल चालक श्री राम को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है एवं कार्यवाही की जा रही है। मुख्य आरोपी अब तक फरार है। देवास से संवाददाता अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। आईसर पकड़ी है, इस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? सुबह थाना प्रभारी महोदय के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ चावल जो है उसका परिवहन हो रहा है। उसके बाद हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे और कुछ उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी गोदाम के अंदर चावल स्टॉक करा हुआ है, वहाँ पर कार्रवाई की गई है और कुछ चावल की बोरियाँ प्राप्त हुई हैं। शुरुआत में संदेह है कि वो PDS का चावल हो सकता है। सर, क्या गोडाउन सील कर दिया गया? हाँ, वर्तमान में गोडाउन सील कर दिया गया। सर, कितनी मात्रा में वहाँ पर चावल पाया गया? करीब करीब 200 से 250 बोरियों के आसपास चावल है वहाँ। सर, चावल के अलावा भी कुछ पाया गया? केरोसिन या वर्तमान में केरोसिन गोडाउन में तो नहीं पाया गया। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बागली योगेश झा। आज मुझे तहसीलदार महोदय से मोबाइल पर सूचना मिली कि एक गाड़ी यहाँ पकड़ी गई है पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसका थाने पे आके मेरे द्वारा तस्दीक किया गया। इसमें जो जूट के बारदाने और प्लास्टिक के बारदाने में जो चावल पकड़ा गया है उसमें से 2 बोरी चावल में टैग लगा हुआ पाया गया है, जो प्रथम दृष्टया सावी वितरण प्रणाली का प्रतीक होता है। सर, गोडाउन पे जो चावल पकड़ा गया है, बताया जाता है कि वो पूरी तरीके से सील पाया गया? उसको कार्रवाई मतलब वहाँ पे अभी सील किया हुआ है, पता से जांच नहीं। जो चावल जो कट्टियाँ थी वो गवर्नमेंट से जो सील आती है इस टाइप की पकड़े हुए हैं? मतलब उसमें प्लास्ट वो है, हाथ से सिला हुआ है। ठीक है सर, जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी लंबी बड़ी तादाद में आपको चावल बरामद हुआ है गोडाउन से और गाड़ियों में, तो क्या इसके पहले भी कोई शिकायत इस तरह की आपके पास नहीं है अभी तक? अच्छा, क्योंकि सर ये जहाँ तक हमारा ख्याल है और जो देख रहे हैं कार्रवाई उस हिसाब से तो ये बहुत पहले से हो रहा है, तो आपके पास कोई भी है? इसकी कोई जानकारी नहीं, आज तक कोई जानकारी नहीं कि इसके अलावा भी कोई खाद्य पदार्थ वहाँ पाया गया? नहीं। तो केरोसिन वगैरह? नहीं, वो राशन की दुकान का है, PDS का ही है, उसके द्वारा दुकान ली हुई है तो वहाँ से वो रिटर्न करता है। ठीक है सर, इस तरह की इस कार्रवाई में क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और उनके द्वारा प्रकरण किया गया और स्टेट के तौर पर प्रकरण बनाया गया है। सर, ये जो चावल जहाँ से आया है जो कि आपके डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, सर इतनी मात्रा में एक साथ चावल पाया जाना? नहीं, जब इसमें हम राशन की दुकान की जांच कर रहे थे उसमें भी इसका स्टॉक सही पाया गया। ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.